नमस्ते, मैं दर्शक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब सर्ज मतलब क्या है, जो सर्ज को हम लोग को क्या, हम लोग को दूसरा दूसरा नाम में हम लोग को क्या कहते हैं, जो पावर सर्ज बोल के हम लोग को कहते हैं, फिर जो ट्रांसिएंट वोल्टेज सर्ज भी बोल के हम लोग को बोलते हैं, मतलब सर्ज मतलब क्या बोल के हम लोग को ये वीडियो में देखने के लिए जा रहा हूँ। तो सर्ज मतलब क्या, अभी सिंपल में अभी बोलना चाहिए तो कुछ नहीं, अभी मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी कुछ है बोल के मान लीजिए, उसी को अभी उसी वो जो कंज्यूम वो क्या है, जो आपका जो पावर स्टेशन से वो 10 एम्प्स वो जो ड्रा करते रहता है, जो सडनली वो क्या करता है, वो 100 एम्प्स जो ड्रा करता है बोल के मान लीजिए, वो क्या है, तुरंत जो माइक्रो सेकेंड में जो पावर को जो खींच के फिर थोड़ा कम उसका जो पहले वाला जो क्या जो पावर जो ड्रा किया था वही को जो आएगा ना, वही हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग को पावर सर्ज बोल के हम लोग को बोलते हैं। सो सिंपल स्टेट में हम लोग को बोलना चाहिए तो सडन इंक्रीज इन वोल्टेज एंड करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट इज कॉल्ड ए पावर सर्ज और ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज बोल के हम लोग को बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, अगर ऐसा जो सडन इंक्रीज इन वोल्टेज और करंट जो आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कुछ है वो सब कुछ खराब हो जाएगा, जो उसको जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जो ट्रांसिएंट वोल्टेज से जो बचाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, वो हम लोग को सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को हम लोग को यूज करना चाहिए। जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस SPD बोल के हम लोग को कहते हैं, उसको अगर दूसरा दूसरा नाम भी रहता है, क्या है, TVSS बोल के हम लोग को बोलता है, ट्रांसिएंट वोल्टेज सर्ज सप्रेशन। दूसरा क्या है, SPD में भी बोला ना, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, फिर SSE सर्ज सप्रेशन इक्विपमेंट बोल के सर्ज सप्रेशन इक्विपमेंट बोल के हम लोग को कहते हैं। वो सब कुछ क्या है, सर्ज प्रोटेक्टर है। सर्ज प्रोटेक्टर का फंक्शन क्या है, कुछ नहीं, जो कुछ सर्ज प्रोटेक्टर हम लोग को यूज करने से वो क्या करता है, जो लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करता है। क्यों लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करना चाहिए, आपको मालूम है जो करंट कभी भी जो लो रेजिस्टेंस पाथ को टुवर्ड्स जो क्या है जाएगा, कभी भी लो रेजिस्टेंस पाथ किधर है उधर में ज्यादा करंट जो फ्लो हो जाएगा, इसलिए कोई भी सर्ज प्रोटेक्टर क्या करता है, जो लो रेजिस्टेंस पाथ को क्रिएट करके एक्सेस करंट को ऑब्जर्व करके जो डाइवर्ट करता है, कुछ जो ट्रांसिएंट जो स्पाइक का टाइम में जो ट्रांसिएंट वोल्टेज सर्ज में जो आता है ना, उस टाइम में क्या करता है, वो जो ऑब्जर्व करके जो डाइवर्ट करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ से जो डाइवर्ट करता है, किसको डाइवर्ट करता है, अर्थ को मतलब ग्राउंड को जो डाइवर्ट करता है, वो उसका फंक्शन क्या है, वही है। दूसरा क्या है, उसका लोकेशन वाइज, मतलब जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस हम लोग को यूज कर रहा हूँ ना, वो लोकेशन वाइज हम लोग को तीन टाइप में हम लोग को डिफरेंशिएट कर सकता है। ये क्या है, टाइप ए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। जो कैटेगरी सी मतलब क्या है, जो ट्रांसफार्मर है, जो पावर लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, जो उधर में हम लोग को यूज करना चाहिए तो कैटेगरी सी का जो सर्ज प्रोटेक्टर उधर में यूज करना चाहिए। कैटेगरी बी मतलब क्या है, जो LT पैनल आपका पास जो रहेगा तो जो LT पैनल में नहीं तो बस बार सिस्टम में क्या करता है आप लोग को, कैटेगरी बी टाइप का सर्ज प्रोटेक्टर हम लोग को यूज करता हूँ। तो कैटेगरी ए मतलब क्या है, कुछ नहीं, अभी आप स्पाइक बस्टर लेकर के जो क्या करता है, अभी एक 16 एम्प सर्किट है, क्या करता है स्पाइक बस्टर लेकर के उसी से ज्यादा जो इक्विपमेंट को जो कनेक्ट करता है ना, वो स्पाइक बस्टर है ना, वो क्या है कैटेगरी ए में आता है। कैटेगरी ए में जो आएगा ना, वो स्पाइक बस्टर, स्पाइक बस्टर अभी मान लीजिए आप स्पाइक बस्टर यूज कर रहे हैं, उसी में वो 4-5 6 एम्प्स को जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को उसमें चालू करते रहता है। अगर आपको लाइटनिंग स्ट्राइक्स आने का टाइम में आप लोग को मान लीजिए आपको जो ट्रांसिएंट वोल्टेज आपके घर पे लग गया बोल के मान लीजिए, उस टाइम में जो कुछ इक्विपमेंट स्पाइक बस्टर में जो कुछ इक्विपमेंट रहता है, वही इक्विपमेंट जो खराब नहीं होगा, दूसरा कुछ इक्विपमेंट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नया नया जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो मार्केट से आप ला रहे हैं, सभी में वो जो सर्ज सप्रेशन डिवाइस है ना, सब कुछ आता है, जो आपका उसी के बारे में आप चेक करना चाहिए तो जो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग देगा ना, उसी में आप चेक करके देखो सर्ज प्रोटेक्टर का जो उसमें होता है कि नहीं होता है बोल के मान लीजिए। अगर नहीं रहने से आप एक्स्ट्रा जो सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस को लेकर के लगा दीजिए, आपका जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप बचने के लिए वो मदद करेगा, ठीक है ना। बस इतना ही, वो जो सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस का जो कॉम्पोनेंट ज्यादा कॉम्पोनेंट जो रहता है उसी के बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी में जो फेमस जो कॉम्पोनेंट हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, MOV मतलब मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोल के आप लोग को सुना होगा, वो क्या है सर्ज प्रोटेक्टर का जो कॉम्पोनेंट है वो, ठीक है। सो बस इतना ही, जो सर्ज मतलब क्या आपको मालूम है, अभी मालूम पड़ गया लगता है, सर्ज मतलब क्या है,
जो ट्रांसिएंट इंक्रीज इन ट्रांसिएंट मतलब इंक्रीज इन सडन इंक्रीज इन वोल्टेज एंड करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट इज कॉल्ड ए सर्ज, इट इज कॉल्ड एज ए सर्ज। फिर सर्ज में क्या, सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस में क्या क्या जो नाम हम लोग कहते हैं, टीवीएसएस, एसपीडी एंड एसएससी बोल के हम लोग को जो कहते हैं। फिर जो उसी में जो लोकेशन वाइज में उसको तीन कैटेगरी आता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी आता है, बस ठीक है ना। सो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन में दिया था वो सर्ज का बारे में, पावर सर्ज का बारे में। उसी में वो ज्यादा जो डाउट आप लोग को कुछ होगा लगता है, अगर आप लोग को ओनर से जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। सो अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल बटन भी होता है उसको भी दबा दीजिए, अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।